तो मैंने अभिषेक भैया से बात किया, मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके अभिषेक भैया से, बहुत अच्छे इंसान। सही बताऊं तो गोपालगंज में सबसे पहले मुझे तलाश करने वाला अगर कोई था तो सीमा में था, जो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। तो दोस्तों आज किस वीडियो पे मैं अभी आ चुका हूँ अभिषेक भैया के ऑफिस पे, आप देख सकते हैं पीछे। तो सबसे पहले कि अभिषेक भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले कि अभिषेक भैया आप सबसे पहले कि अपना इंट्रोड्यूस दीजिए, मेरे व्यूअर्स लोग बताइए सबसे पहले कि अपना आप इंट्रोड्यूस कीजिए। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, और मेरा नाम अभिषेक गोस्वामी है और मैं एक छोटा सा ब्लॉगर हूँ। यूट्यूब चैनल है एक मेरा, आप सभी ने देखा होगा, अभिषेक गोस्वामी ब्लॉग्स के नाम से, और मैं लोकल स्तर का ब्लॉग शूट करता हूँ। लोकल जगहों को मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ और लोकल चीज़ों को, लोकल बिजनेस को प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं, आपने देखा होगा मेरे वीडियो में, लॉकडाउन में जो हमारे मित्र, हमारे भाई जो अपने बिहार के यूपी के जो पलायन करके आ रहे थे, अभी उनके लिए मैं रोजगार तलाशने की कोशिश कर रहा हूँ। नए नए रोजगार के, बिजनेस के आइडियाज लेकर अपने चैनल पर आ रहा हूँ और काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभिषेक भैया मेरे आपसे ये दूसरा सवाल ये है कि सभी लोग अदर कंट्री, दिल्ली, पटना, ये सब का ब्लॉग शूट करते हैं, आप कैसे गोपालगंज के ब्लॉग, आपको मतलब कैसे चुका कि हम गोपालगंज के ब्लॉग शूट करें लोकल एरिया का? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो लोग भी YouTube चैनल क्रिएट करते हैं या YouTube पे ग्रो होना शुरू होता है तो वो छोटे शहर छोड़ के बड़े शहरों में शिफ्ट हो जाते हैं कि भाई मैं पटना में, मैं दिल्ली में। जैसे बहुत सारे मेरे मित्र जिन्होंने मेरे साथ चैनल शुरू किया था, आज वो दिल्ली में शिफ्ट करके दिल्ली में अच्छे खासे चैनल चला रहे हैं, ठीक ठाक चल रहा है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि दिल्ली नहीं जाना चाहिए, दिल्ली जाना चाहिए, लेकिन जहाँ हमने जन्म लिया है, जहाँ हमने पढ़ाई किया है, जहाँ जो क्षेत्र हमारे भरोसे है, अगर हम अपने क्षेत्र को छोड़ देंगे तो फिर हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का विकास कैसे होगा? हम लोगों को अपने क्षेत्र के बारे में जानना चाहिए, अपने लोकल चीज़ों को, अपनी जिले को, अपने स्टेट को प्रमोट करना चाहिए ताकि बाहर के लोग देख सकें कि भाई हमारे यहाँ भी वो सारी सुविधाएं अवेलेबल है। हमारे यहाँ अपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे तो हमारे जिला समृद्ध होगा, हमारा राज्य समृद्ध होगा। बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनको आप जानते होंगे और ये आपको ये पता नहीं होगा कि वो लोग भी बिहार से हैं। बहुत सारे लोग बिहार बताने से कतराते भी हैं, लेकिन मैं खुले तौर पे हर वीडियो में कहता हूँ कि मैं बिहार का हूँ और गोपालगंज का हूँ, मैं बिहारी हूँ और मैं गर्व से कहता हूँ और अपने लोकल चीजों को प्रमोट भी करता हूँ। आपने वीडियो में देखा होगा। और भैया मेरे एक आपसे एक और सवाल होता है कि 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में आपको कितना समय लगा? अभी तो आपके चैनल पर पूरे 2 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं, पर फिर आपको 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में कितना दिन लगा? ये सभी नए यूट्यूबर के मन में डाउट होता कि मेरा 1K सब्सक्राइबर कब कंप्लीट होगा और लोग कैसे 2 लाख 3 लाख का सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जा रहा है। सबसे पहले कि ये आप बात बता दीजिए। देखिए, ये कंटेंट के ऊपर निर्भर करता है कि आप कंटेंट कैसा बनाते हैं। आप अगर मान लीजिए कंटेंट बढ़िया है तो आपको जल्दी से सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, आपको लोग पसंद करना शुरू करते हैं। आपको थोड़ा सा सोच यूनिक होना चाहिए। एक्चुअली मैं बहुत सारे इंटरव्यू में या वीडियो में मैंने बताया है कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो है वो डंप बॉक्स नहीं है कि ये भाई वीडियो उठाए उस पर डाल दिए। वो मेन क्रिएटर्स के लिए है कि आपको आप अपने अंदर की क्रिएटिविटी को वहां पे दिखाइए। आपने देखा होगा वीडियो जो यूट्यूबर होते हैं उनके नाम में क्रिएटर्स लगाया जाता है, इसलिए कि उनके वो क्रिएटर्स हैं, उनके अंदर क्रिएटिविटी है जो दिखा रहे हैं लोगों को। और आजकल आप देख रहे होंगे कि लोग कुछ भी वीडियो उठाए और डंप बॉक्स जैसे यूट्यूब पे डाल दिया। तो अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आप कुछ अलग करने की चाहत है, आपके अंदर कुछ अलग कर रहे हैं, किसी की देखा देखी नहीं कर रहे हैं, तो आपको सब्सक्राइबर पूरे होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और मेरे ख्याल से 1 से 1.5 महीने में मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया था और 3 महीने के अंदर में मेरा मोनेटाइज भी हो गया था चैनल और 5-6 हजार सब्सक्राइबर हमने पूरा किया था। बीच में हमने, चूंकि मैं पटना में रहता था तो ब्लॉगिंग ब्लॉग चैनल मेरे और भी 5-6 चैनल है जिसपे मैं काम करता हूँ। एक मेरा चैनल है 5 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो मैं उस चैनल पर फोकस कर रहा था। बीच में मैं ब्लॉग चैनल पे कम फोकस कर रहा था और तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। बीच में जब मैं काम करना शुरू किया तो आप सभी का प्यार मिलना शुरू हुआ और आज हम लोग 2 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर चुके हैं। तो अभिषेक भैया मेरा एक और आपसे सवाल है कि आप कब से यूट्यूब पे काम करते आ गए हैं? अभी यूट्यूब पे, बिल्कुल यूट्यूब पे अगर आपने पूछा कि कब से काम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से मार्च 2015 से। उस समय बहुत कम यूट्यूबर हुआ करते थे अपने बिहार में, एक 2-4 लोग थे जो उस समय यूट्यूब पे थे। तो 2015 मार्च से मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ और उस समय से पेमेंट भी ले रहा हूँ यूट्यूब से।
तो भैया ये तो आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा कि आप YouTube से कितना अर्निंग कर लेते हैं। मैं आपको इस वीडियो में भैया से पूछने वाला भी हूँ कि YouTube से कितना अर्निंग करते हैं। और भी हम और पहले तो उनसे और कुछ सवाल कर लिया जाए, वो भी आप लोग को सवाल मिलेगा। लास्ट में आप लोग वीडियो को देखते रहिए, वो भी सवाल आप लोग को मिलेगा कि भैया YouTube से अर्निंग कितना कर लेते हैं। एक्चुअली कमाई की बात करें तो आपने कहा सुनी होगी कि किसी लड़की से उसकी उम्र और किसी लड़के से उसकी कमाई नहीं पूछनी चाहिए, और खासकर यूट्यूबर से उसकी कमाई नहीं पूछनी चाहिए। मेरे पास जो भी है ना, मेरे पास जितना चीज जो कुछ भी आप देख रहे हैं मेरे पास, वो सब यूट्यूब से ही है और ठीक ठाक कहा जाता है। और भैया ये बताइए कि अभी सभी लड़के आप देख रहे हैं कि अक्सर लोग YouTube पे ही अभी आ रहे हैं, जैसे कि TikTok अभी फिलहाल में बंद हुआ तो सभी लोग YouTube पे आ रहे हैं, तो उनके लिए कुछ सुझाव दीजिए। एक्चुअली देखिए, TikTok और YouTube बिल्कुल अलग है, लोग एक में मिला देते हैं। TikTok मेरे हिसाब से टाइम मैंने बर्बाद करने वाला एप्लीकेशन था। उस पे वो नए नए क्रिएटर्स तो उस पे आते थे, नए नए टिकटॉकर जो आते थे, लेकिन उसको अर्निंग नहीं होती थी। कुछ दो चार लोग सक्सेस हो पाते थे, मैंने 100 में 10 लोग 15 लोग सक्सेस हो गए जिनको स्पॉन्सर मिलता था, बाकी टिकटॉक कुछ अलग से पैसे नहीं देते। यूट्यूब पे एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कैरियर बना सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। कितना भी लोग आए उससे दिक्कत नहीं है, आपका काम अलग है, आप काम अलग कर रहे हैं। लोग कितने भी आ जाए आप में उसमें इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, आप अगर सबसे अलग हटके कुछ काम कर रहे हैं। और भैया मेरा सबसे लास्ट सवाल आपसे रहा कि आप मेरे व्यूअर्स लोग बताइए कि मेरा चैनल कैसा है, मैं कैसा काम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, थोड़ा सा आप मेरे व्यूअर्स लोग को जरूर बताइएगा। एक्चुअली सही बताऊँ तो गोपालगंज में सबसे पहले मुझे तलाश करने वाला अगर कोई था तो सीमा में था, जो मेरा वीडियो देख के लगातार कमेंट करके कि भैया मुझे आपसे मिलना है, मैं मिलना चाहता हूँ, और इतना समर्पित एक छोटा सा शॉप है सीमा का। और मैं बताऊं कि बहुत मेहनत से, जैसे एक छोटा सा बिजनेस चला के और उसे मेहनत करते हुए पूरा फोकस यूट्यूब पे, बिना सब्सक्राइबर का बिना मोनेटाइजेशन का, दिल्ली भी गए हुए थे, किसका था वो टेक्निकल योगी सर का, टेक्निकल योगी आपने देखा होगा उनका मीटअप था, वो दिल्ली पहुंच गया था मिलने के लिए। मतलब ये यूट्यूब मेन पैशन है, अगर आपके अंदर शौक है तो यूट्यूब पे सक्सेस आप होंगे। एक महीना पहले मोनेटाइज हो गया चैनल, और इसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया। और देखिए मैं ये बोलता हूँ कि यूट्यूब ने अभी जो रूल लाया है ना, 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे वॉच टाइम, ये बहुत अच्छा किया। 2015 में ऐसा नहीं था, 2015 में हम लोग जो थे वीडियो डालते थे कल से अर्निंग शुरू हो जाता था, ये बहुत जरूरी था क्योंकि फ्री हो गया नेट और जियो के आने के बाद, और लोग कुछ भी वीडियो उठा के कचरा भरते जा रहे थे। तो जो यूट्यूबर होंगे, जो क्रिएटर्स होंगे, जिनके अंदर पैशन होगा कि यूट्यूब पे रहना चाहिए, वो इतने दिन टिके रहेंगे, बाकी लोग जो कचरा डालते थे वो धीरे से साइड हो जाएंगे। ये फिल्टर करने का एक काम किया यूट्यूब ने, ये सिस्टम लाके जो मेन जिसके अंदर पैशन था कि नहीं। देखिए कितना साल बाद आपका मोनेटाइज हुआ चैनल, कितने दिन से लगे हुए थे? 6 महीने के बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। मतलब 6 महीना बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो 2-2 साल से लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, चैनल उन्होंने छोड़ा भी नहीं, काम भी कर रहे हैं। ऐसे यूट्यूबर्स को सक्सेस जरूर मिलेगी, ऐसे जो लोग भी लगे हुए हैं, जो लगातार लगे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि मेहनत कभी विफल नहीं होता। अगर आप लगे हुए हैं तो जरूर आज नहीं तो कल आपका चैनल मोनेटाइज जरूर होगा और आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। जरूरत है, अगर आपको सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, आपके व्यूज नहीं आ रहे, तो थोड़ा सा अपने आप में चेंजिंग लाइए कि ये नहीं कि व्यूअर पसंद नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा अलग हटके कुछ करें, वो पसंद नहीं है थोड़ा सा अलग हटके। मेरे हर तरह के चैनल हैं और हर तरह का अलग अलग एक्सपेरिमेंट मैं अपने चैनल पर करते रहता हूँ। तो काफी शिवम को भी सपोर्ट कीजिए आप लोग, शिवम काफी मेहनती हैं और लगभग काफी दिनों से मैं देखा हूँ साइकिल से जा जाके बहुत दूर दूर वीडियो बना रहे हैं आजकल, तो सपोर्ट तो मिलना चाहिए भाई, मेहनत कोई कर रहा है। तो अभी आप लोग देख रहे थे मेरे साथ अभिषेक भैया थे, गोपालगंज के फेमस यूट्यूबर। तो दोस्तों मैंने अभिषेक भैया से बात किया, मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके अभिषेक भैया से, बहुत अच्छे इंसान है अभिषेक भैया। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, और मेरे लिए कोई सुझाव हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभिषेक भैया का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो जाकर अभिषेक भैया के चैनल को भी जरूर विजिट कीजिए, चेक कीजिए कि अभिषेक भैया का चैनल कैसा है, और किस किस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप अभिषेक भैया के चैनल को जाकर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाइए और जाकर अभिषेक भैया के चैनल पर विजिट कीजिए।
आज का ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे ब्लॉग में मेरे साथ। नमस्कार, धन्यवाद। मुझे इंतजार रहेगा अपने चैनल पे आप सभी का। धन्यवाद।